सन 1967 की प्रातः क्लास पहले पेज का मध्य अंत। बात चल रही थी हमेशा बुद्धि में तीन धाम याद रखो। कौन से तीन धाम? दुख धाम, सुख धाम और सबसे ऊंचा शांति धाम। इनके अधिपति कौन कौन हुए? दुख धाम का मुखिया तीन पुरियां दिखाई गई हैं। नीचे की पुरी ब्रह्मापुरी, कौन से धाम की ओर? दुख धाम की ओर। और बीच में विष्णुपुरी सुख धाम और सबसे ऊपर शंकरपुरी शांति देवा शांति धाम की ओर। तो तीन धाम बुद्धि में याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती है, मना आत्म की स्थिति रहती है। सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा तो शांत स्वरूप है ही, तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, लेकिन करना क्या है? कोई को बुखार आ रहा हो तो पहले वो बुखार से छुटकारा पाना चाहेगा, शांति चाहेगा, बुखार से मुक्ति चाहेगा या रसगुल्ला खाना चाहेगा? पहले मुक्ति चाहिए। मुक्ति माना शांति, फिर उससे ऊंची चीज सुख चाहिए। तो सुखदान के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी दुख धाम में हो। दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर माने हेवन का रचयिता बाप। वो कोई हेल नहीं स्थापन करते, हेवनली गॉड फादर हेल स्थापन नहीं करते हैं। क्या स्थापन करते हैं? हेवन स्थापन करते हैं। हेवनली गॉड फादर है तो हेवन में रहने वाले देवताओं को रचता है। देवताएं पहले क्या थे? मनुष्य थे। नर से क्या बनाता है? नारायण बनाता है। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम स्थापन करता हूं, शांति धाम स्थापन नहीं किया जाता। शांति धाम तो है ही है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का देह शांत है, वो क्रिएट नहीं किया जाता। सुखधाम क्रिएट किया जाता है, सुखधाम की रचना रची जाती है। जो पहले नहीं था वो स्थापन किया जाता है। तो मैं सुखधाम का रचयिता हूं, सुखधाम स्थापन करता हूं। बाकी हार और जीत का खेल है। अभी माया रूपी रावण पर तो श्रीमत से जीत पाती हूं,
2000 साल से तुमने माया रूपी रावण पर मनुष्य मत से और मन मत से हार खाई। अभी संगम युग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप आया हुआ है, तो मन मत और मनुष्य मत पर अब नहीं चलना है। अगर आप चलेंगे तो फिर भी जन्म जन्मांतर हार खाते रहे। आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो इनको कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। गीता भागवत में भी अक्षर है, अंधे धृतराष्ट्र की औलाद कौरव अंधे थे। बाप खुद कहते हैं वो है अंधे की औलाद अंधे, उनके माँ बाप ही अंधे थे। धृतराष्ट्र भी अंधे और धृतराष्ट्र जी उसने भी जानबूझ करके आंखों पर पट्टा बांधा हुआ था। बातें कहाँ की हैं? इस समय संगम युग में जो भी गांधारी का पार्ट बजाने वाली है, ऐसे नहीं कि उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। जब से एडवांस नॉलेज निकली तब से रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके पास सारी एडवांस नॉलेज आदि से ही भेजी जाती रही। उन्हें अंदर से सारी बात का ज्ञान है, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए अहंकार के आधार पर आंखों पर पट्टा बांधा हुआ है, जैसे जानबूझ के बांधा है। और ये है सोजरे की औलाद सोजरे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम काम के आधार पर पड़े हैं शास्त्रों में। ये काम कहाँ किया है? संगमिक में काम किया है। धृतराष्ट्र राष्ट्र माना धन संपत्ति, जिसने सारी धन संपत्ति को अपने कब्जे में करके रखा, अपने बच्चों को लाडला समझ करके अपने बच्चों को सौंप दिया और पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दिया, तो सब धर के बैठ गया, धारण करके बैठ गया, तो उसका नाम क्या पड़ा? धृतराष्ट्र। और उसके अपोजिट में धर्म युद्ध लड़ने वाला, धारणाओं का युद्ध लड़ने वाला। युद्ध में धारणाओं के युद्ध में स्थिर रहने वाला, माया कितना भी हिलाए लेकिन वो हिलने वाला नहीं। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, भले देह छूट जाए और छूट भी गई, लेकिन देह छोड़ने के बाद भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। वो सूक्ष्म शरीर धारण करके भी वो आत्मा अभी भी सेवा कर रही है। तो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, तुम बच्चे युद्ध के मैदान में अभी स्थिर हो, ये भी बुद्धि में धारण करना है और समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सभी इसको भूल गए हैं। इसको जो शांति धाम घर है उसको सब भूले बैठे हैं। कहते भी हैं कि एक नाटक है, परंतु इसकी लाखों वर्ष आयु, हजारों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बनाई दिया। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। तो
इतना अंधा बनाई दिया मैंने। बाप आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो जो सुनने वाले हैं वो पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, उनको गहराई की बात का ज्ञान नहीं होता। तो अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को नॉलेज स्कूल कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाला हो। नॉलेज फुल का मतलब क्या लगा लेते हैं, भगवान तो सब कुछ जानता है, हर एक की गट गट को जानने वाला है। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है और अनगिनत कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर कितनी ना आत्माएं हैं, उन सबके घट घट को जानने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। वो तो आकर के मुख्य मुख्य पार्ट धारियों के पार्ट को खोलता है, उन मुख्य पार्ट धारियों के आधार पर जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं फॉलोअर्स, उनके भी नंबरवार पार्ट खुलते जाते हैं। बाकी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आत्माओं के तो पार्ट की खुलने की बात है ही नहीं। तो मैं घटघटवासी नहीं हूं, अंतर्यामी नहीं हूं। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं क्या कि इनके अंदर क्या बात चल रही है, हम बता सकते हैं? सड़क पर मजमा लगाने वाले देखे होंगे, कोई बच्चे को कोई आदमी को सुलाई देते हैं, उसमें सोल का प्रवेश कराए देते हैं और वो सोल बताती है बताओ इसकी जेब में क्या है, तो वो बताता है 100 का नोट है, 5 का नोट है, ये सिक्के हैं। तो ये तो रिद्धि सिद्धि की बातें हैं। ये अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि से कोई स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, ये तो चमत्कार वाली बातें हैं। चमत्कार भगवान आकर के नहीं करता, भगवान आकर के बाजीगर बनेगा क्या? भगवान बाजीगर नहीं है, वो तो यथार्थ बात आकर के बतलाता है कि कैसे ये दुनिया स्वर्ग बनती है और कैसे ये दुनिया नरक बनती है। मैं आता हूं, जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं तो ये दुनिया उनके लिए स्वर्ग बनती है जो प्रैक्टिकल धारण करते हैं। और नरमाना मनुष्य, मनुष्य जो कुछ पढ़ाते हैं जो भी सिखाते हैं उससे दुनिया नरक बनती है। नर से क्या बनती है? नरक। माना नरक करने वाला है नरक, नरक अर्थ ही ऐसा है, नर जो करे सो नरक। नर माना मनुष्य और भगवान जो करे सो स्वर्ग। भगवान क्या करता है? भगवान स्वर्ग बनाता है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व माना आत्मा, ग माना गया, आत्मिक स्थिति में गया। भगवान को देह है ही नहीं, भगवान को अपना रथ है? अपना रथ है ही नहीं, वो तो सदैव आत्मा है,
इसलिए उसको क्या कहते हैं, सदा सेवक। वो सदैव शिव है, सदैव आत्मा है, कभी भी देहभान में आता ही नहीं। किसी रथ में प्रवेश भी करता है मुकर्र रथ में, तो भी देहभान में आकर के कोई कार्य नहीं करता, देहभान में आकर के नहीं बोलता, देहभान में आकर के नहीं देखता, देहभान के वाइब्रेशन नहीं छोड़ता। जो कुछ करता है वो स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनता है या बनाता है। तो बाप कहते हैं मैं सुखदाता हूं, सुखधाम स्थापन करने वाला हूं। वो रिद्धि सिद्धि वाले तो तुम्हारे अंदर की बातें सुनाई देते, परंतु नालिक का ये अर्थ नहीं है। किसी एक आदमी के अंदर क्या चल रहा है सो बता देना, ये तो बाप की ही महिमा है। जिसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, तो प्रैक्टिकल में आकर के ऐसा पार्ट भी बजाता है, कोई मुकर्र रथ के द्वारा बजाता है। मनुष्य तो कह देते हैं वो अंतर्यामी है। 8 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पी, अरे वो अंतर्यामी है, एक एक की घटकी, एक एक के दिल की अंदर की बात जानता है, जानने का काम करता है, और कोई उसको काम नहीं है क्या कि एक एक के अंदर घुसे, एक एक के अंदर जा हर बात को जाने, एक एक के अंदर को बैठ करके जानेंगे क्या? अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे दुनिया में टीचर होते हैं ऐसे वो भी सुप्रीम टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? सामान्य टीचर नहीं पढ़ाते, सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है, पढ़ाने वाला रूहों का बाप है, रूहानी टीचर भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वो बाप टीचर तो जिस्मानी होते हैं और मैं रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु। वो बाप टीचर सदगुरु अलग अलग होते हैं, बाप अलग होगा, टीचर अलग होगा और सदगुरु अलग होगा। और यहाँ एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी बनता है। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा क्या उसने ज्ञान का बीज बोया? अगर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीज बोया होता तो ब्रह्मा मुझते क्यों जब उनको साक्षात्कार हुए? गुरु से पूछने की क्या दरकार थी? वाराणसी में विद्वान पंडितों आचार्यों के पीछे पढ़ने की जाने की क्या दरकार थी? वो ज्ञान का बीज बोने वाला टीचर का स्वरूप नहीं हो सकता, वो तो ज्ञान को धारण करने वाली धरणी का रूप है, धरणी को माता कहा जाता है। धारण करने वालों में वो आत्मा सबसे तीखी है। तो धारणकर्त्री माता है कौन? ब्रह्म। और उसमें ज्ञान का बीज धारण किसने कराया? कौन? बाप। अंत में जब सब जगह से हार गए तो ब्रह्मा अपने साक्षात्कारों का रहस्य पूछने के लिए अपने भागीदार के पास पहुंचे।
कलकत्ते में, और भागीदार में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का पूरा अर्थ समझाई दिया, उनको भी समझ में आ गया। तो वो बाप भी है उसी स्वरूप के द्वारा, दो ही आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली है, हीरो हीरोइन कहो, सृष्टि रूपी गाड़ी के दो पहिए कहो, राम और कृष्ण। कृष्ण वाली सोल मृदुल पार्ट बजाती है, माता का पार्ट बजाती है, और राम वाली आत्मा बाप का पार्ट। इसलिए मुरलियों में कभी ऐसे कहा गया, राम बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बाप को कहा जाता है, क्या कहा गया, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ऐसे भी बोला, ब्रह्मा को तो बाबा बेबी कहते हैं, माने बुद्धि से बेबी बुद्धि आत्मा थी, जितना शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दिया बस उतना ही समझा, उसके आगे उनकी बुद्धि नहीं चलती थी। तो दुनिया में बाप टीचर सदगुरु अलग अलग होते हैं, और यहाँ एक ही पर्सनालिटी के द्वारा सुप्रीम सोल बाप बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सदगुरु भी बनता है करके। कोई कोई बाप टीचर भी होते हैं दुनिया में, बाप भी होता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला, टीचर भी होता है, परंतु गुरु तो हो नहीं सकता। और यहाँ यहाँ बाप भी वही, टीचर भी वही, गुरु भी वही, तथाकथित ब्राह्मण इन बातों को नहीं जानते। कौन से ब्राह्मण, दुनियावी ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया में कुकवंशावली ब्राह्मण है वो इस बात को समझते नहीं है। वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा ही बाप था, ब्रह्मा ही टीचर था, और ब्रह्मा ही सदगुरु था, हमारी सदगति करके गया है। अरे सदगति जो करके जाएगा उसका हार्ट फेल होगा। सदगति करने वाले ब्रह्मा को याद करेंगे तो उनकी भी क्या गति होगी, उनको भी अकाल मौत शरीर छोड़ना पड़ता है। और ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा के स्वरूप को याद करते हैं, सदगुरु मानते हैं, उनका भी हाल क्या होता जाता है, वो भी अकाल मौत में शरीर छोड़ते जा रहे। तो बाप कहते हैं ये बात लगती नहीं है कि मैं एक रूप के द्वारा दूसरे रूप के द्वारा दूसरा पार्ट, तीसरे रूप के द्वारा तीसरा पार्ट बजाऊं, नहीं, मैं तो एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी। वो गुरु तो मनुष्य गुरु है, यहां तो यह है सुप्रीम रूह, वो गुरु है और ये सतगुरु है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु, एक सतगुरु अकाल मूर्त, एक सतगुरु ही है जिसको काल खा नहीं सकता, और जो मूर्तिमान भी होता है, मूर्त माने साकारी और अमूर्त माने आकारी या निराकारी, जिसकी मूर्ति न हो, तो वो सदगुरु अकाल मूर्त है और एक ही है, एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सतगुरु एक है, सत्य माना सच्चा, तो एक है सच्चा, तो बाकी सब कैसे हो गए, सारे झूठे हो गए। भले वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्रोध में आ जाएंगे, लेकिन उनके सामने हिस्ट्री रख दी जाए दुनिया की, ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री जो मनुष्यों के गुरुओं बनाने से जो हिस्ट्री हमारे सामने आई है, उससे दुनिया नीचे गिरी है या ऊपर उठी है,
जो दिव्य गुण हैं वो मनुष्यों में बढ़े हैं या घटे हैं? घटते गए। आसुरी गुण बढ़ते गए, तो वो सदगुरु हुए या झूठे गुरु हुए? झूठे गुरु हुए। यहां तो सुप्रीम रूप है परमपिता परमात्मा, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कि सभी आत्माएं परमात्मा है, ये भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, कहा अर्जुन ने कहा बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता, हम तेज नहीं सहन कर सकते। ये सब बातें सुनी हुई हैं, तो समझते हैं परमात्मा ऐसा तेजोमय होगा। अरे जैसे आप और सब आत्माएं ज्योति बिंदु होती है, वैसे मैं भी ज्योति बिंदु हूं। आपके पास आते थे तो भी साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। तो जो सुना वो बुद्धि में बैठा हुआ है, भरा रहता है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं तो मैं उनकी भावना को पूरा कर देता हूं। हनुमान को याद करते हैं, उनकी भावना को पूरा करने के लिए हनुमान का साक्षात्कार करा देता हूं। मां काली को याद करते हैं तो मां काली का साक्षात्कार करा देता हूं। गणेश को याद करते हैं तो गणेश भगवान के रूप में साक्षात्कार करा देता हूं। भावना की पूर्ति होती है तो भक्तों को खुशी हो जाती है। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम हम पहुंच गए, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई साक्षात्कार से जा नहीं सकते। नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भक्त का आया हुआ है। क्या नाम रखा है? शिरोमणि भक्त का नाम क्या रखा? नारद। नार माना जल, गा माना देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता था। झांझ बजा बजा के कहता रहता था चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, और खुद नरक की दुनिया में घूमता रहता था। तो दूसरों को कोई ज्ञान दे और खुद ज्ञान को धारण न करे, तो उसको भक्त कहेंगे या ज्ञानी आत्मा कहेंगे? भक्त आत्मा कहेंगे। इसलिए बोला भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से। रावण जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। प्रकांड विद्वान था लेकिन कर्म कैसे थे? है? ऐसे भ्रष्ट कर्म थे कि पराई स्त्री को चुराने के प्लान बनाता रहता था, चोरी करके भी ले जाता था। अब पराई बहु बेटियों को चोरी करना ये ज्ञानी आत्मा का काम है क्या? नहीं, ज्ञानी आत्मा चोर चकार नहीं हो सकती। ज्ञानी आत्मा तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली होगी, ऐसे कर्म करती है और दूसरों से ऐसे कर्म कराती है कि न दूसरे दुखी हों और न स्वयं कभी दुखी हो। तो भक्त शिरोमणि जो नारद गाया हुआ है, उनसे पूछा गया कि तुम लक्ष्मी को वर सकते हो? तो कहा हाँ, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं।
जहां स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंच गया। लक्ष्मी वरना वर माला लिए हुए घूम रही थी, तो जहां जहां लक्ष्मी जाती थी वहां वहां जाकर के सामने खड़ा हो जाता, सामने जाके खड़ा हो जाता था। उसको यही पता नहीं था मेरा मुंह बंदर के जैसा बना दिया गया। तो लक्ष्मी झिझक के दूसरी तरफ चली जाती थी, वो फिर जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाता था। तो ये नारद का मिसाल है, उनसे कहा तुम अपनी शक्ल देखो तो फिर ज्ञान जल के भरे हुए लोटे में अपनी शक्ल देखने लगा, तो देखा बंदर जैसी शक्ल है। ऐसे दुर्गति को पाए हुए फिर मुक्ति कैसे पाएंगे? भक्तमाला भी होती है, ज्ञानियों की माला भी होती है, और विष्णु की माला भी होती है। विष्णु की माला माना विजय माला जो पूजी जाती है, रुद्र माला ज्ञानी तू आत्माओं की माला, रुद्राक्ष के मणके होते हैं, उन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए होते हैं, कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में दस मुख, कोई में 14 मुख। वो मुख है यादगार कि इतने इतने मुख ने प्रवेश किया है बोलने के लिए, इतनी आत्माओं ने मुख धारण किया है ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो रुद्राक्ष के मणके मुख लेने की यादगार है, तो जरूर उसमें कोई मणका ऐसा होता होगा जिसमें सिर्फ सुप्रीम सोल ही प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, वो मणका विरल मिलता है। कोई मणके ऐसे तो दो बातें करते हैं, चार बातें करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो 14-14 तरह की बातें करते हैं। माना जितनी प्रवेश करने वाली आत्मा उतने तरह की बातें सुनाने लग पड़ती है। तो अनेक मत वाली आत्माएं होंगी, तो रावण का यादगार दिखा दिया है। रावण को कितने मुख दिखाते हैं? 10 मुख दिखाते हैं। 10 मुख का मतलब वो एक मुख से एक बात नहीं करता था, 10 मुखों से 10 प्रकार की बात करता था। तो उसके कौन से मुख का डायरेक्शन माना जाए, किस डायरेक्शन पर चला जाए? एक आदमी आज एक बात करता है, कल दूसरी बात करता है, परसों तीसरी बात करता है, तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? झूठा हुआ। भक्ति मार्ग में सब झूठ ही झूठ। इन रावण के मुखों से आती है भक्ति, अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं, और भगवान आकर के एक मुकर रथ के द्वारा एक प्रकार की ही बातें बताते हैं। वो बातें कभी पलटती नहीं है। तो बाप समझाते हैं, भक्त भी सब नंबर वार है, तुम बच्चों को माया से बड़ा खबरदार रहना। माया ऐसा उल्टा काम बराबर करा लेती है जो बाद में रोना पड़े। ऐसे रोते हैं कि भगवान आया परंतु हम वर्षा नहीं ले सके, फिर भी भगवान के आने के बावजूद भी हम प्रजा में दास दासियां जाकर के बनेंगे। भगवान आया, हमने जाना पहचाना, सरेंडर भी हुए, फिर ऐसा क्या हुआ
जो दास दासी बन पड़ते हैं, हैं? ऐसी क्या कथा कहानियां बन गई? अरे एक बाप की मत पर न चल करके और मनुष्यों की मत पर या मन मत पर चल पड़ते हैं तो ऐसे फिर दास दासी बनते हैं। इसलिए बाप पहले ही समझा देते हैं ताकि फिर पीछे पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे योगाग्नि से पाप भस्म होते रहेंगे। आत्मा सतो प्रधान सतयुग में होती है। पहले युग में आत्मा सतो प्रधान बनती है, फिर क्या होता है इसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बन जाते है। ये खाद कहां से आती है, है? सतयुग की जो आत्माएं थी 9 लाख आत्माएं थी उनमें कहां से खाद पड़ गई? संकल्प ऊपर से आत्माएं आई और वो ढेर की ढेर आत्माएं उतरती। पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख और दूसरे तीसरे चौथे आठवें जन्म में सतयुग में ढेर सारी आत्माएं उतरती। तो उन आत्माओं के उतरने से ढेर आत्माओं के संग के रंग में आने से आत्मा जो 9 लाख वाली आत्माएं थी सतो प्रधान वो भी सतो सामान्य बन पड़ती है। त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं उतरती हैं, चांदी की तो वैल्यू बहुत कम होती है। सतयुग को कहा जाता है सोने के समान, त्रेता को कहा जाता है चांदी के समान। और फिर द्वापर में तो आत्माओं की संख्या और ज्यादा उतरने वालों की बन जाती है, क्योंकि त्रेता के अंत की आबादी सिर्फ होती है 10 करोड़। और द्वापर में जो ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह वगैरह और उनके जो फॉलोअर्स आते हैं ढेर के ढेर, उनके संग के रंग में आने से वो देवताएं सब नीची स्टेज में आ जाते हैं। तांबे की खाद पड़ जाती है। कलयुग में लोहे जैसी आत्माएं करोड़ों की तादाद में सैकड़ों करोड़ उतरती है और संग का रंग लगाती, उनके संग के रंग से सब काले तमो प्रधान बन जाते। जो 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं थी, कोई ऐसा टाइम था कि वो 9 लाख सितारे चैतन्य सितारे सारी सृष्टि पर ज्ञान की रोशनी चमकाए रहे थे, फैलाए रहे थे, वो सब काले तमो प्रधान बन जाते। तब अंत में परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आता है, बताते हैं कि मैं आयरन एज जब पूरी होती है तब आता हूं, गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज और आयरन एज। अभी आयरन हो एज हो फिर गोल्डन एज में जाना, प्योर बनने के बगैर आत्मा जा नहीं सकेंगी। सोने को प्योर करने के लिए बहुत तीखी अग्नि जलानी पड़ती है, धीमी अग्नि से सोना गलता नहीं है, तीव्र अग्नि चाहिए। ये भी योगाग्नि है, योगाग्नि में अगर दूसरी दूसरी आत्माओं की याद आती रही तो पाप कर्म भस्म होने वाले नहीं। ये पापों की खाद है, पाप आत्माओं के संग के रंग से जो खाद पड़ी है विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नष्ट होने वाले नहीं है धीमी अग्नि से। इसलिए तीक्ष्ण याद चाहिए। तीक्ष्ण याद माना एक की लगन में मगन, दूसरे की विविचारी याद आई और फिर खाद पड़ना शुरू हो जाती है। तो सतयुग में प्योरिटी बनती है, जहां प्योरिटी होती है वहां पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन जाती है। यहां प्योरिटी नहीं है तो दुनिया में पीस भी नहीं है और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं।
तो देखो रात दिन का फर्क है। जैसे रात में अंधेरा ही अंधेरा और दिन में सोझरा ही सोझरा। तो बाप समझाते हैं ये बचपन अभी भूल नहीं जाना। क्यों? बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, जो बेसिक नॉलेज देते हैं, बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से ब्रह्मा के द्वारा पालना देते हैं, ये बचपन भूल नहीं जाना। ऐसा ना हो कि औरों के संग के रंग में आकर के शूटिंग पीरियड में तुम मेरे को बिल्कुल भूल जाओ। मेरी सहयोगी भुजा बनने के बजाय और ही विरोधी बन जाओ। क्योंकि मेरी यादगार जगन्नाथपुरी में टूटा दिखाया जाता है, कोई सहयोगी नहीं रहता। तो माया कड़ी परीक्षा लेती है, सारी दुनिया का माहौल ही चेंज कर देती है। इतना माहौल बिगाड़ देती है कि जो बच्चे मेरे बच्चे वो ही मेरी गिलानी करने लग पड़ते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के डायरेक्ट गिलानी नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी सबसे जास्ती गिलानी करते हैं। तो ये बचपन के दिन भुलाए नहीं देना। बाप ने तुम बच्चों को अभी अडॉप्ट किया है मुख से, तुमको मुखवंशावली बनाया है। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं, ये अडॉप्शन है। बाप स्त्री के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता है, तो ये भी बाप है। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है मुख के द्वारा। जैसे बाप होते हैं पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे भी क्रिएटर बनते हैं, बाप बनते हैं। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है उनको रचना नहीं कहेंगे। ये भी बाप अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। बाप कहते हैं तुम हमारे वो ही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया था। जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उन बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। यहां पेट के बच्चे नहीं है, कैसे बच्चे हैं? अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करना माना स्वीकार करना कि तुम मेरे बच्चे हो। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलते हैं। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, तो कौन सा वर्षा देंगे? ऊंचते ऊंच वर्षा है गति और सदगति। गति माना शांति धाम और सदगति माना सुख धाम। तो देखो एक सेकंड में फिर ब्रह्मा सु विष्णु बन जाते। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। क्या कहा? दो मालिक की बात बताई, एक विश्व के मालिक और एक सतयुग के मालिक। सतयुग के मालिक कौन? जो ब्रह्मा सरस्वती जो राधा कृष्ण की आत्माएं हैं, वो हल्की पढ़ाई पढ़ती है, बेसिक नॉलेज वाली, शरीर रहते रहते, इसलिए वो अपने शरीर से विश्व के मालिक नहीं बनती। काय का मालिक बनती है, सतयुग का मालिक बनती है। और उनको जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो विश्व के मालिक बनते हैं। जो विश्व के मालिक बनते हैं वो डायरेक्ट मेरे द्वारा बनते हैं।
सुप्रीम सोल आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है उसके द्वारा बनते हैं। क्यों ये अंतर क्यों पड़ गया है? ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जो ज्यादा धारणावान है, धारण करने की शक्ति वाली है, वो सतयुग के मालिक बनी और उनको जन्म देने वाले विश्व के मालिक बन गए। विश्व का मालिकाना प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े आदमी हुए, महान महान पुरुष हुए, उन्होंने कितना कितना ताकत लगाई। नेपोलियन, मुसोलिनी, कितनी ताकत लगाई, लेकिन विश्व के मालिक नहीं बन सके, क्योंकि उनका रास्ता गलत था। वो बाहुबल से विश्व के मालिक बनना चाहती थी। हमारे भारत में तो गाया जाता है, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे परपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा जो झंडा है वो तीन रंग के कपड़ों का है, वो कपड़ा कहीं विश्व विजय नहीं करके दिखलाता है। कपड़ा माना शरीर, आत्मा शरीर रूपी कपड़े को धारण करती है। तो तीन आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये शिव की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इन तीन मूर्तियों के द्वारा वो निराकार शिव सारे विश्व के ऊपर बादशाही प्राप्त कराता है युगबल के द्वारा हम बच्चों को। तो ब्रह्मा की सोल, सरस्वती की सोल सतयुग में बादशाही प्राप्त करती है और तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। ये अंतर क्यों पड़ जाता है? उसमें तो बाप की सोल, सुप्रीम सोल प्रवेश ही करता है ब्रह्मा में, इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या होगा? ऊंची पढ़ाई, मुरली का अच्छा नहीं समझा, मुरली का अच्छा तरह से गहरे में नहीं गया। अरे तो पढ़ाने वाला तो उसी के अंदर था, शरीर से नहीं पढ़ा। नहीं, बाप के रूप में पाठ है, बाप के रूप में पाठ में। अच्छा चलो, माँ के रूप में पाठ था। सवाल तो ये है कि जो माँ के रूप में पाठ था उसमें सुप्रीम सोल पढ़ाने वाला था, लेकिन वो सतयुग का मालिक क्यों बना, विश्व का मालिक क्यों नहीं बना? हाँ, सब कुछ अर्पण भी किया, अपने बच्चों को भी वर्षा नहीं दिया, वो पुरुषार्थ भी ऐसा ना किया है, स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ किया, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ किया, हम क्या नरक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मूल बात ये हुई, नहीं नहीं नहीं, मूल बात ये हुई कि माँ जो होती है वो बच्चों के प्रभाव में आ जाती है, बच्चों की मत पर चल पड़ती है। ब्रह्मा नाम था ना, ब्रह्म माँ, बड़ी माँ, षष्ठी की बड़े थे बड़ी माँ। इसे दुनिया में होता है, माताएं होती है, जब बच्ची है तो बाप के अधिकार में है, जब शादी हो जाती है तो पति के अधिकार में रहती है। बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चों के अधीन हो जाती। तो माँ का स्वभाव संस्कार ही ऐसा होता है कि वो अधीन हो जाती है। बाप, बाप बाप के रूप में अगर बाप है और रचना रचना है तो बाप कभी अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। तो माँ यज्ञ के आदि से ही जो फ्रिक्शन पड़ा था उसमें वो राम बाप और राम की फॉलोअर आत्माएं जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो छोड़ करके चली गई, और जो विदेशी आत्माएं थी उन्होंने माँ के ऊपर आधिपत्य जमा लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने तरीके से चलाती रही। तो मनुष्य मत पर चल करके दुर्गति होती है या संगति होती है? दुर्गति होती है।
दुर्गति का मतलब उनका पद जो है वो नीचा हो गया। सतयुग में जाके राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, सतयुग के नारायण बनेंगे, लेकिन विश्व के मालिक बन सकते नहीं बनते। तो रात दिन का फर्क है, तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा भी पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पतितों को पावन बनाते हो, बाप के सहयोगी बनते हो। रावण ने कितना नालायक बुद्धि बनाई, अभी फिर बाप लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर में, भीतर में, ठिक्कर में कैसे डाल देते, सर्वव्यापी बताई देते। तो पत्थर में पत्थर की पूजा करते, पत्थर को भगवान समझ लेते, तो पत्थर में व्यापी हुआ ना। ठिक्कर में, मिट्टी के ढेले में भगवान व्यापी समझते, क्या मतलब हुआ? इसकी शूटिंग कहाँ होती है, कैसे? जो पत्थर बुद्धि मनुष्य है ज्ञान की गहराई को इशारे से समझते ही नहीं है, उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते। ठिक्कर, जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और टूट जाए, ज्ञान में से ही टूट पड़ते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, ऐसों को भी भगवान समझने लग पड़ते हैं। भीतर, भीत माने दीवार, जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके अड़ जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। जैसे माया बेटी का मिसाल, माया न खुद बाप को पहचानती है, गांधारी बन करके आंखों पर पट्टा बांध लेती है, और न दूसरों को बाप का स्वरूप पहचान में लाने देती। तो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो गई ना। दुनिया में कोई दीवार बहुत प्रसिद्ध है? चीन की दीवार। कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध धर्म खंड। सबको बुद्धू बनाई देती, जितने भी धर्म संप्रदाय हुए हैं पुराने पुराने भी, उनमें सबसे जास्ती बुद्धू कौन बन गए? किनकी राजाई सबसे कम चलती है? हैं बहुत पुराने, लेकिन राजाई उनकी बहुत थोड़े समय चलती है। कौन से धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म। माया ऐसा बुद्धू बनाई देती है। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा, पहले भी ऐसे ही हुआ था, और ये जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, जैसे शूटिंग पीरियड के समाप्ति में फिर भी माया बुद्धू बनाई। अभी ड्रामा प्लान अनुसार आया हूं, तुमको समझाता हूं, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे कल पहले समझाया था वैसे अभी समझाता हूं। बाप आने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। ऐसे नहीं कि 5,000 साल पहले जल्दी आ गया था और अभी इस कल्प में देरी से आऊंगा, नहीं, जिस सेकंड पहले आया था उसी सेकंड अभी भी आता हूं। जैसे बाबा को रीइंकार्नेशन है तो बच्चों का भी रीइंकार्नेशन होता है।
तुम भी अवतरित होते हो। आत्मा यहाँ आकर के फिर साकार में पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है अवतारीय। ऊपर से नीचे पाठ बजाने बाप का ये अलौकिक दिव्य जन्म है। तुम्हारा पहला जन्म दिव्य होता है और बाद में गर्भ से जन्म लेते रहते। जो भी मनुष्य आत्मा है पहला जन्म दिव्य जन्म होता है। कोई में प्रवेश करके आत्मा सुख भोगती है दुख नहीं भोगती है। बाद में हर एक आत्मा नीचे उतरती जाती है, दुख का पाठ शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण को तो माता के गर्भ से जन्म मिला। बाप खुद कहते हैं मुझे भी इस सृष्टि पर आकर के प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, माने पांच तत्वों से बने पुतले का आधार जब तक मैं नहीं लेता हूं तब तक मैं अपना कार्य नहीं कर सकता। मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, ये मुकर्रर तन है। ये कौन कहता है? कोई ये जिरह करे? देखो सन 67 की मुरली में तो ये लिखा है। क्या क्या लिखा है? कि ये मुकर्रर तन है। तो ब्रह्मा का तन मुकर्रर तन हुआ ना, मुरली बोल रही है। अरे मुरली बोल तो रही है लेकिन कहते कौन है? ब्रह्मा के मुख से कहने वाला किस रूप में कह रहा है? बाप के रूप में कह रहा है। तो ब्रह्मा तो माँ का रूप है, वो बाप का रूप तो है ही नहीं। बाप का रूप होता तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे करके जाता, सुखधाम का वर्षा दे करके जाता। मुरली में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तो स्वर्ग की स्थापना हुई द्वारा, द्वारा माने मीडिया। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना ही नहीं हुई वो बाप का रूप नहीं हो सकता, वो माँ का रूप था। इसलिए यहां बोला बाप खुद कहते हैं यह मुकर्रर तन है। यह कहकर के किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण का चित्र बाजू में रखा होता था उस तरफ कहा ये मुकर्रर तन है, दूसरे कोई में कभी आते ही नहीं है। नारायण के तन में आते हैं जो नरसिंह नारायण बनता है, ब्रह्मा में नहीं आते क्या? 108 बच्चों में नहीं आते क्या? आते हैं लेकिन हाँ सदा कार्य के लिए, पूरा कार्य संपन्न करने के लिए नहीं आते। हाँ इन बच्चों में कब मम्मा बाबा आ सकते हैं मदद करने के लिए, कब अन्य बच्चे भी आ सकते हैं, आगे हमको भी बुलाते थे, 36 प्रकार का भोजन बनाते थे, ये बच्चे भी जानते हैं। आपस में ये बच्चे सारा दिन बहलते रहते थे, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में हाँ। वो भूकंप आया है हाँ। उसी के बेहद में कहाँ टाली हुआ होगा? बेहद में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ब्राह्मण बच्चों में एडवांस में भूकंप आ गया होगा, बहुत से हिले डुले होंगे। पहले भी बाबा ने बोला था, अभी ब्राह्मणियों को किसी को कहें कि तुम्हारा ट्रांसफर होना है तो कोई हिलती नहीं है अपने जगह से। अब एकवाणी में बोला, लेकिन बाबा ने बोला कि आगे चल करके तुम सब ब्राह्मणियों का ट्रांसफर करेंगे। तो ये काम की शुरुआत है एडवांस के बच्चों से होगी या बेसिक नॉलेज में जो विद्यालय खुले हुए हैं वहां के टीचर से होगी?
एडवांस पहले शुरुआत है, एडवांस से होगी, फिर बाद में वहाँ भी ट्रांसफर होंगे, इसलिए इशारा दे दिया कि ऐसे नहीं समझना ये आखिरी समर्पण समारोह है, अभी फिर दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे। तो जब ट्रांसफर किया जाए, जिनका मोह लग चुका है तो हड़कंप तो आता है ना, टीचर्स के साथ जिनका मोह लग गया है, टीचर्स का जिन स्टूडेंट्स में मोह लग गया है, और इसको अचानक तोड़ दिया, तोड़वाया जाए तो क्या हाल होगा? भू माना पृथ्वी, धरणी, कंप माना कंपायमान, वो दुनिया वाले तो स्थूल धरणी को धरणी मानते हैं, लेकिन यहाँ तो भक्ति मार्ग में कहते हैं धरणी माता। भारत के लिए क्या कहते हैं? भारत माता, तो जरूर कोई माता का रूप रही होगी ना। तो धरणी जब हिलती है तो धरणी के ऊपर जो संगठन रूपी मकान और किले बने हुए होते हैं, वो संगठन रूपी किले सारे गिर पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। हाँ जी, शिव शंकर के ऊपर सवारी करेगा, हैं? शिव तो शंकर के ऊपर सवारी करेगा, करेगा क्या? करता है, करता है। शंकर, शंकर बैल पर, बैल के ऊपर सवारी करता है। बैल कौन है? ब्रह्मा है बैल। ब्रह्मा की सोल अभी किसके ऊपर सवारी कर रही है? सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो गुंजार दादी में, और बीज रूप स्टेज में होती है तो शंकर में प्रवेश करती है, इंटरफियर करके बोलती रहती है। शिव की सोल भी तो ब्रह्मा की सोल भी, तो मुरली में बताया है कि शंकर ऐसे छलांग लगा के बैल पर सवार होता है, मन हाई जंप लगाएगा क्या? हाई जंप लगाएगा, एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना पुरुषार्थ में, और एक होता है उड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना। तो पुरुषार्थ में हाई जंप लगाएगा और ब्रह्मा के ऊपर बैल के ऊपर सवार हो जाएगा। सवार करना मतलब आत्मा को कंट्रोल करना होगा, हाँ हाँ, सवार करना मतलब आत्मा को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। हाँ जी, सवारियाँ दिखाई है ना, गंगा को घड़ियाल की सवारी दिखाई है, कार्तिकेय को मयूर की सवारी दिखाई है, शंकर जी को बैल की सवारी दिखाई है, गणेश जी को चूहे की सवारी दिखाई है, और सब इन बातों के सबके लाक्षणिक अलंकारिक अर्थ है। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने सीधा सीधा बता दिया कि हाँ चूहे की सवारी होती होगी, अब इतना बड़ा पेट वाला और चूहे पे बैठेगा तो चूहा तो मर जाए। जो घरों में खोखला कर देते हैं, चूहे होते हैं ना घर के अंदर ही, बिल बना बना के नीचे से सारा खोखला कर देते हैं,